अवैध पटाखे का जखीरा पकड़ा गया, एक को लिया हिरासत में। 10 लाख से ऊपर के पटाखे बताए जाते हैं। नमस्कार, मैं अनीस अख्तर, आप देख रहे अनीस अख्तर ऑफिशियल। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 स्थित सोनाखारी मार्ग पर शुक्रवार को पुलिस ने एक मकान से अवैध पटाखे के जखीरा को बरामद किया है। इस मकान को गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोतवाली गोपीगंज क्षेत्र के सोनखी रोड पर शुक्रवार को पुलिस ने एक मकान से अवैध पटाखे के जखीरा को बरामद किया है। पकड़े गए पटाखे को पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए कोतवाली में लेकर पहुंची। सोनाखरी रोड स्थित एक व्यक्ति के मकान में अवैध प्रकार से पटाखे रखने के लिए गोदाम बनाया गया है। सूत्रों से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी किया तो दो कमरे में 40 से 45 कार्टून को झाल में भरकर रखा था, जिसकी कीमत लगभग मार्केट के हिसाब से 10 लाख के पटाखे बताए जाते हैं। गोदाम से मौजूद एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पटाखे के बारे में जानकारी मांगी गई तो उनके पास कोई भी परमानेंट लाइसेंस नहीं मिला, जबकि जानकारी के अनुसार 3 दिन का पटाखा बेचने के लाइसेंस की बात बता रहा था। बताया जाता है कि लाभ के लालच में दीपावली के मद्देनजर यहां पटाखे को स्टॉक कर रखा था और उसे चोरी छिपे बेच रहा था। पुलिस ने अभी किसी बात को बताने से इनकार किया, कहा कि लिखा पढ़ी के बाद बताया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको सच्ची और पक्की खबरें लाते हैं।